सो हेलो एंड वेलकम पिला माने आमर आउ गोटे लेसन को तुमको स्वागत एटा तुम पार्ट 11 सेकेंड चैप्टर तुमने आ पूर्वर 10टा पार्ट देखि देखिबो जो देखिनो ओवर आई बटन रे लिंक अछि जाई के से चेक आउट कर परिबो ए वीडियो देखिया पारे अदरवाइज से उडा को जदि वीडियो देखिनो जमे टोटल ता से उडा देखि दियो तापर उडा तुम बुझिबो आराम से ठीक अछि। आज रो वीडियो रे हम पढिबा तुमने देखि पर ऊपर टॉपिक खाइबा सोडा आउ धोइबा सोडा विषय रे पढिबा ता से तो पढिबा लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारे एग्जाम परस्पेक्टिव रु मोस्ट इंपोर्टेंट एगुड़ा सब गोटे गोटे 2 मार्क 3 मार्क पढ़ी पारे परीक्षा है बेले बेले एगुड़ा 4 मार्क भी क्वेश्चन करी पारे ठीक अच्छे। तो चल आगे जावा बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा ठीक अच्छे। तो बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा आम कौटी व्यवहार करचे ऑब्वियसली खाइबा व्यवहार करा जो सोडाटा से बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा। तो देख फर्स्ट पॉइंट कौन लिखाई रोसई घरे सुस्वादु मुसमुसिया पकुड़ी तैयारी करने पर साधारणतः व्यवहार करा जाता है। जो पकुड़ी ताकि पकुड़ी तुम घर तुम शुभ खार पकाह बोलिकला जो खारटा पकाओं कि से खारटा ही हूँ बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा है। ये खारटा व्यवहार करा ये खारटा ही जो कौन घर खार पकाऊ खाइया खार पकाऊँच खाइबा खार पकाऊँच रंधा खार पकाऊँच ये जो कहते सही कौन कैं जो पकुड़ी को टी अधिका फुले दिए आए बेस नरम कर दिए ठीक अच्छे। तो ये जो बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा तार गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर अच्छे से रोसे को बहुत सुस्वादु करने गोटे ठीक अच्छे। ता सहित बेले पे बेले बेले रंधन को जब स्पीड कर लाइक आमको मटन को सीझार अच्छे तो मटन सीझापी अधिक समय लगे है मटन सीझापी अधिक समय लगे अदरवाइज आमको गोटे भोजीपाई गोटे तरकारी कर तो भोजी एत गुड़ा पर पड़ो से जो हंडार एत गुड़ा पर जल्दी सीझार अच्छे तो कमी सीझे से गुड़ा सर सब सीझापी बोलिकी आम कौन यूज करचे ये जो खार यूज करचे ये जो खारटा कौन कर रंधन को द्रुततर कर जो आम जो सीझा जो जिन सीझार अच्छे ताको स्पीड कै ठीक अच्छे करने को व्यवहार करता है क्या मिसोचे बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा को व्यवहार करता यार फास्ट रासायनिक नाम कौन जान फास्ट फर्स्ट रासायनिक नाम हूँ यार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन आई रे सोडियम एच रे हाइड्रोजन सीओ थ्री कार्बोनेट आगर भी तो मुझे ओ थ्री सीओ थ्री मानते सेटा हो कार्बोनेट। तो तुम जब परीक्षा एक मार्क क्वेश्चन पचार बेकिंग सोडा रो रासायनिक नाम कौन तिख सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आज तार संकेत भी पचार एन ए एच सीओ थ्री ठीक अच्छे। चल आगे जावा देखिए पे बेकिंग बा खाइबा सोडार प्रस्तुति आर प्रस्तुति केमती या कमी फर्स्ट आम इंट्रोडक्शन देखे बेकिंग सोडा कौन जान लें कौट कौट व्यवहार करते जान लें तार रासायनिक नाम कौन जान लें देखिए प्रस्तुति कौन तर प्रस्तुति केमती हो पाने तुमको प्रीवियस क्लास पढ़ाई पार्ट 10 यार पढ़ाई थी जे आमर जो मानने मुख्य टॉपिक कौन थी कि एनएसीएल सोडियम क्लोराइड कि लुणु खाइबा लुणु आम के प्रकार रासायनिक पदार्थ या तो यहाँ जो बेकिंग सोडा भी आम गोटे मुख्य इनग्रीडियंट र मेटेरियल कहपर से खाइबा लुण ठीक अच्छे। तो एनएसीएल हूँ ये मुख्य इनग्रीडियंट खाइबा लुण ता सांगरे के अच्छी H2O जल ता सांगरे के अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल ता सांगरे के अच्छी NH3 एमोनिया ठीक अच्छे। तो ये जिनस अच्छी एत बाकी जिनस व्यवहार करते हैं बेकिंग सोडा बनाए या प्रस्तुति करने गुड़ाक सब रिएक्ट है NH4 एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एमोनियम क्लोराइड ठीक अच्छे एमोनियम क्लोराइड ता सहित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ा कि आम बेकिंग सोडा तैयारी ठीक अच्छे। पे NaCl H2O CO2 NH3 ये चार जन रिएक्ट करेंगे चार जन रासायनिक प्रतिक्रिया करे कले होती प्रतिकारक उत्पादन तैयारी हम एमोनियम क्लोराइड ता सहित तैयारी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा आमर बेकिंग सोडा तैयारी होगा कंचामल गुड कौन देख ल तो आशा कर तुमको बुझी थी सोडियम क्लोराइड को खाइबा लुण को आम व्यवहार करके बेकिंग सोडा के तैयारी करते जान लीक्षा जब पचार भी तुम लिखिपर ठीक अच्छे। चल आगे जावा देखिए पे बेकिंग सोडा रे विषय आगे भलसे देखीदे है देखीद ये जदि आम बेकिंग सोडा को आम रोसे घर यूज करते रोसे घर यूज करते ठीक अच्छे। रोसे घर यूज कला ताको माने कौन गरम कराब ना ऑब्वियसली से जो मानते पकुड़े आम पकुड़े मिसेकि बेकिंग सोडा को मिसेले खाइबा खार को मिसेले पकुड़े मिसेला तेल में पकोचे तेल टे कौन था गरम था
तो गरम तेल टा कौन करियो ये जो बेकिंग सोडा को भी गरम करियो बेकिंग सोडा को भी कौन करियो गरम करियो हीट दबो ठीक अछि गरम कला गरम कला पर कौन बाहरियो सेथरो सोडियम कार्बोनेट बाहरियो Na2CO3 बाहरियो ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरियो ता सहित H2O बाहरियो बा जल बाहरियो ठीक अछि ए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरिबो ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन करियो से पकोड़ी टा को फुले आर लागियो गैस टा कौन करियो से पकोड़ी को फुले आर लागियो जेन बैलून को फुले आ पई गैस हम ता भीतर भर्ती करछे सेटा बे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा ए जो यार सोडियम माने हमर खाइबा खार टा गरम हेला परे कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा बाहरियो नकी हला से गैस टा कोन हबो पकोड़ी को फुले आर लागियो आ जो जलडा बाहरियो से जलडा कौन करियो पकोड़ी को नरम करियो बा मॉइश्चर करके नरम करियो ठीक अछि नरमिया करियो हला नमनीय करियो तब बेसी तुला भले सॉफ्ट करियो हला यदि पूरा भलो वर्ड देखियो सॉफ्ट करियो तब ठीक अछि त हमें खाइबा खारो को व्यवहार करले माने खाइबा खारो को इयर मिसेले पकोड़े मिसेले त गरम करले माने तेल रे पकेले गरम तेल रे त ताको कोन मिलला हीट एनर्जी मिलला बा गरम मिलला ताको यदि हीट एनर्जी मिलला ताले से कोन हला सेथरो सोडियम कार्बोनेट बाहला कार्बन डाइऑक्साइड बाहला आ जल जलर काम कहले कार्बन डाइऑक्साइड काम कहले से केमती पकड़ी को नरम करती तो रांधिबा समय रे एहा को गरम कले प्रदत्त रासायनिक प्रतिक्रिया घटे परीक्षा जदि पचरियो रांधिया समय रे आमे सो खाइबा खार को व्यवहार कले कोन कोन से उत्पाद मिलते ताले एगुडा सब लिखियो ठीक अछि चल आगो जीवा हा पूर्व बड जिंस देख दियो ये छोटे असंख्या रक बा या ये काहु नष्ट करेन को जिंस को ये नष्ट करेन को यदि आमे लोहा प्राप्त पके दाम लोहा को नष्ट कर दन सेंते हला तब देखिए बिलाने जेन तुम कहली जे सेतरो कोन बाहर छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छै गरम लाले जदि तुम देखि दियो जदि रोटी बा पाव रोटी बा ब्रेड एगुडा सब देखि दियो सब ओवन रे तयार करा छै ओवन जदि जानि न ताले मते तमाने इंटरनेट मानि चेक करो ओवन कोन हला ओवन हो जे गोटे फ्रिज टाइप रोटा किंतु फ्रिज भीतर जेंति आमे गोटे जिंस को रखले ठंडा हो छै तार जस्ट उल्टा कामडा करछि ओवन रे गोटे जिंस को रखियो न से गरम हो आउ किछि नै हला ओवन भीतर तुम गोटे जिनस रख मैंने से कौन हम तार टेम्परेचर बढ़ियो गरम हम सी फ्रिज भितर रखे तुम थंडा हो कि ओवन भितर रखले गरम हम जो मैंने ओवन विषय जानी ना कहीदे तुम है तो मुझे कौन कली ये जो पाउरुटी को पाउरुटी पूरा गोटे यानी पाउरुटी पाउरुटी जमी या कर गोटे बेलर या मानते गोटे पाउरुटी मसला जहाँ भी तार पगड़ा तैयारी करदे है ताको मुझे कौन करी नहीं कि ओवन भितर ओवन रोटे ट्रे थी एम ट्रे गोटे थी है ट्रे पाउरुटी रखीदेवि ठीक है पाउरुटी जो तार रडा को रखीदेवि र मैंने बुझ जो अटार गोलाटा को रखीदे पे है मैदार गोलटा को रखीदे बिस्केट भी से टाइप कराला रखीदा कि समय पर कौन हम एर कौन हो बेकिंग सोडा मिस जो रुटी टाइम पाउरुटी जो थी तुम जो अटार गोलाटा रख कि मैदार गोला रखे बेकिंग सोडा मिस से बेकिंग सोडा कौन कर आ भितर मैंने जो येटा को रुटीटा को फुलेबार लगे कहीं फुले मैंने बेकिंग सोडा गरम हेल्ले प्रतिक्रिया हम जानते हिट हेल्ले जानते प्रतिक्रिया हम बोलिकी प्रतिक्रिया हेल्ले सोडियम कार्बोनेट बाहर ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर ता सहित जल बाहर तो से आते देखा जो होल होल गुड़ा अच्छे देखो ना कणा गुड़ाक अच्छे ये कणा गुड़ा कौन मुझे पिन मारिक कण कर कौन किसी ना ये कणा गुड़ा केमती है ये कणा गुड़ाक सब आम जो ये खाइबा खार प्रतिक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुड़ाक सब ए कणा गुड़ाक सब ए कणा गुड़ाक भर्ती था ठीक अच्छे सी ही कणा गुड़ाक तैयारी करता तो आशा कर बुझीपो ए कणा भितर को गैस थाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस थाए ठीक अच्छे आउ H2O जो से आद्र थाए है जलटा आद्र थाए ठीक अच्छे तो जितेबले आम देखी लाइन बै लाइन जो बेकिंग सोडा पाउडर को गरम कराए कि जल में मिशा जाए निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया हुए है गरम कले कौन देख ल रासायनिक प्रतिक्रिया समय सृष्टि होता कार्बन डाइऑक्साइड पाउरुटी किंबा केक को फुलाई दे नरम और सच्छिद्र सच्छिद्र मान छिद्र सहित है सच्छिद्र करते मैं बहुत गुरा कणा करता है तो चल आगे जावा फुलाई दबा टे अधिक बेलून भितर जो मानते वायु पुरे फुली होता फुली जाप देखिए पे तार आउ गोटे व्यवहार अच्छी परीक्षा तुम मोस्ट इंपोर्टेंट पे यार व्यवहार गुड़ाक तुम परीक्षा पचार परीक्षा पचार तुमको पचार प्रस्तुति कौन कह तो प्रस्तुति लिखियार अच्छे है अदरवाइज तुम पचार व्यवहार कौन तो व्यवहार गुड़ाक लिखियार अच्छे तो फास्ट आम देखिले दीटा व्यवहार एवं देखिए व्यवहार गोटे
सोडियम हाइड्रोजन कार्बन प्रति अम्ल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट शुण प्रति अम्ल कौन अम्ल को जी प्रतिहत कैसे प्रति अम्ल कहुए आशा कर तुमने मन रखी आगुरी प्रति अम्ल हो अम्ल को प्रतिहत कर अम्ल को न्यूट्रलाइज कर तो अम्ल को किए न्यूट्रलाइज कर अम्ल को प्रतिसम किए कर क्षारक कर तो सोडियम हाइड्रोजन बाय सॉरी हाइड्रोजन कार्बन ये भी गोटे क्षारक है तो ये ये कौन कर अम्ल को खराब मानते नष्ट कर अम्ल गुण को नष्ट करा तो से प्रति अम्ल कह प्रति अम्ल गुड़िकर मध्य एक उपादान अटे क्षार होता हेतु यह पाकस्थल में अधिक अम्ल को प्रशमन कै और जंत्रणा उपशम करें जदि तुम पेटर गैस्ट्रिक हो गए कि पेटर एसीडिटी हो टाइम जी तुम खाइवा क्षार व्यवहार कर तुम कौन हम शरीर भितर ये जो एसीडिटा तार परिमाण कमिज है टाइप रही तुम शरीर में ये भी कौन कर एसीडिटी शरीर उपशम दूसरे एसीडिटी जंत्रा पेट जंत्रणा उपशम दूसरे ठीक अच्छे केमती उपशम दूसरी अम्ल को नष्ट कर अम्ल गुण को नष्ट कर जान तो मैंने क्षार कौन कर अम्ल गुण को नष्ट नष्ट कर ये गोटे क्षार तुम जान लो तो खाइवा क्षार को आम व्यवहार करें शरीर भितर प्रति अम्ल भाव व्यवहार करे आम शरीर जंत्रणा को उपशम करे ठीक अच्छे तापर पे आउ गए जिन जाना है ये सोडा अम्ल सोडा एसीड बोली कह सोडा एसीड अग्नि निर्वाहक जंत्र फायर एक्सटिंग व्यवहार कर ये जो सोडा अम्ल ये सोडा खाइबा सोडा है यहाँ को आम कौन कर देख ये NaHCO3 या कौन कर अग्नि निर्वाहक जंत्र तुम देखी थो बहुत गुड़ा जगह ये टाइप रेड कलर गोटे बक्स दिखाई आ भर अच्छे यहाँ हाला भर्ती अच्छे जो स्प्रे करा ये स्प्रे हम ये नजल स्प्रे हम गोटे जो निया लगे ये गोटे निया लगे जो स्प्रे करा मैंने ये जो खाइबा क्षारटा ये कौन हम आप पड़ो निया लगे मैंने गरम थी गरम जब खाइबा क्षार पड़ा सी भी गरम हम गरम से कि गैस बाहर अब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निया को लिभेबार साज्य कै के जलईबार साज्य कैसे तो मैंने पिला बेलूटा पढ़ी आस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निया को लिभेबार साज्य कै अम्लजान निया को जलईबार साज्य कै तेणु ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कौन पे बाहर जान ला NaHCO3 गरम हेल्ले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्गत कै आरोप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सी निया भी लिभि पार तो ये टाइप निभा जंत्र भी आपको व्यवहार करा ठीक अच्छे एवं देखिया धोवा सोडा विषय धोवा सोडार प्रस्तुति प्रणाली देखी था प्रथम सोडियम क्लोराइड रु मिलूबा अन्य एक रासायनिक पदार्थ होती NaCO3 10H2O पे ये 10H2O जो लिखाई देख ये डट गोटे लिखा डट 10H2O लिखाई है कौन पे लिखाई परवर्त समय पढ़ी तुम अभी तो सोडियम क्लोराइड रु लुण रु आ गए जिन मिलूँ तो लुण रुटा कमी मिलला देखिया आ प्रिवियस साल देखिए लुण रु कमी खाइबा सोडा मिलता है आमको तो ये खाइबा सोडाटार संकेत कौन मन रखी NaCO3 तो लुण रु आम खाइबा सोडा बाहर कले ए खाइबा सोडा को व्यवहार करके बेकिंग सोडा को व्यवहार करके गरम करा Na2CO3 बाहर H2O बाहर CO2 बाहर है ये सोडियम कार्बोनेट को ये सोडियम कार्बोनेट बाहर ना ये तो गरम कले बाहर तुम जान आगे पढ़े आपको पुनः स्फटिकीकरण स्फटिकीकरण मानने पा मिसा हे कौन मिसा पे पा मिसाब कले धोवा सोडा मिलता है तो Na2CO3 रे पा मिसाला मिसले कौन बाहर Na2CO3 10H2O आशा कर बुझी थी ठीक अच्छे ये कहीं टेन एच टू ओ लिखा बुझा पड़ा ये पा मिशी बोल कि टेन एच टू ओ लिखाला है तो डट टेन एच टू ओ कहीं लिखाई सैटा भी तुम देखा Na2CO3 10H2O यहाँ हूँ धोवा सोडा तार व्यवहार जाए कौन देख फास्ट सोडियम कार्बोनेट काच साबुन कागज शिल्प में व्यवहार कराए मन रखा कथ खाली ए आई होप कि ए बुझे ना बोरक्स परी सोडियम जौग गुड़ी को उत्पादन करने को व्यवहार कराए घर सफा करने कार्य सोडियम कार्बोनेट व्यवहार कराए धोवा सोडा को लुगा सफा करने व्यवहार कराए जलर स्थायी खरत्व दूर करने को व्यवहार कराए है तुम मन रखी दि परीक्षा प्रश्न इंपोर्टेंट आ विषय में किसी बुझे चल आगे जा तापर लवण गुड़िकर स्फटिकीकरण जाना जो आम जो टेन एच टू देखी थे से विषय देखिए स्फटिक अवस्था लवण प्रत्येक संकेत एकक सहित प्रत्येक संकेत एकक सहित स्फटिक अवस्था लवण प्रत्येक संकेत एकक सहित निर्दिष्ट संख्यक जल अणु रासायनिक संयुक्ति घटी है जमीक एमर कौन पे
Na2CO3 रे 10H2O लागिला राइट ना नै सेमति Na2CO3 10H2O जें लागिला 10H2O 10टा जल अणु थिला सेते बोली निर्दिष्ट संख्या देखो एटी लेखाई छि सहित निर्दिष्ट संख्याक जल अणु रो रासायनिक संयुक्ति घटते ए 10टा सं जल अणु से मिसि अछि बोली कि से 10H2O लेखाल एही निर्दिष्ट संख्याक जल अणु को स्फटिक जल अणु कहा जाय तो तमको ए 10टा H2O को कोन कहबो स्फटिक जल अणु कहबो कि जलाणु को आबो स्फटिक जलाणु आशा कर तुम बुझी थे सेथि पई जतो आईडी से कहला पुनः स्फटिकीकरण कले बा स्फटिक जलाणु जलाणु मिसेले बा स्फटिक स्फटिकरण ने बुझिलो तो जल सहित मिसा हबो तो मिसेले 10H2 Na2CO3 10H2O रे कन्वर्ट हबो तो पुनः स्फटिकीकरण करैले केमि जलाणु हला देखिलो तो एक निर्दिष्ट संख्याक जलाणु को स्फटिक जलाणु जल कहा जाय लवण रो स्फटिक को उत्तप्त कले एथेर थिबा जलाणु अपसारित होय तुम जदि से स्फटिक को उत्तप्त करियो स्फटिक उत्तप्त करियो माने याको जदि गरम करियो तुम Na2CO3 को जदि तुम गरम करियो 10H2 Na2CO3 10H2 गरम करियो माने ए जो जलाणु गुडा नै कि बाहरि कि पळेओ खाली Na2CO3 रहयो ठीक अछि जदि गरम करियो ले जलाणुडा उडी पळे हला चला आगो जिबा देखिबा तार से के नउछि पिलान देखो हम ओर जिन से जाने छि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस माने तुम देखु थौ हमर जो गणेश मूर्ति गुडा सब आछि व्हाइट कलर रो से सब चाइना माटी बोली कहतनी ए चाइना माटी जोडा सेटा होछि प्लास्टर ऑफ पेरिस हला एटा केन तैयार होछि पिला ने ए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ता जिप्सम रु तैयार होछि कोथरो जिप्सम मन रख जिप्सम बहुत इंपोर्टेंट CaSO4 10H2 सॉरी 2H2O CaSO4 2H2O हला एटा जिप्सम रो संकेत जिप्सम रो स्फटिक को स्फटिक काई कोला 2टा H2O अछि बोली स्फटिक कोला 323 तोरी केल्विन बा 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे उत्तप्त करले एहा जल अणु हराई कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट रे परिणत होई थाए ताको जदि हम गरम करिया हम तुम कहले ए जो H2O जे उडी पड़े बोली की तो ए जो 2टा H2O अछि 2टा H2O रो गोटे H2O पर उडी पड़ेला आ आधा H2O उडी पड़ेला खाली अधडे बळकि रे दीटा एपल थियो तहन मु तुम गोटे एपल पूरा नहीं जीवी आउ अधर एपल भी नहीं जीवी कंपेयर केत रहयो हाफ एपल रहयो तो से 2H2O थला से थ्रू 1.5 बा गोटे अधे पर उड़ी पड़ेला आउ अधरे अछि तो CaSO4 हाफ H2O रहयो ठीक अछि एति रहि थाए एहा को हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस एहा को प्लास्टर ऑफ पेरिस कह जे तो जिप्सम को ही पिलाने जदि हम गरम करता गरम करले तार जदि एक आउ अधा H2O उड़ी पड़ेला तहन ताको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोली कुआ होछ केते डिग्री सेंटीग्रेड गरम करिया 323 बा 100 डिग्री सेंटीग्रेड गरम करले सिन हबो हला एटा होची जिप्सम ग्रीन कलरटा जिप्सम को गरम करले एतिकी रहला एटा होची तमरा प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडा होसरे तमरा कोन माने जोडा उडी उडीकी पळिची जो स्फटिक अणुटा बा जल अणु स्फटिक जल अणुटा उडीकी पळिची गरम करिया जो स्फटिक जल अणुटा उडी पळेला सेरा होची 1.5 H2O हला पिलाने याको आमे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले काहे की कोचे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहयार कारण होची कहीं ना प्रथम पेरिस से पाई जाए मैंने आम पाई से आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले कहे ठीक अच्छे आगे जावा प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहार कौट कौट हो देख प्लास्टर ऑफ पेरिस को एमती कंठे तैयारी एटा गोटे स्कल्चर जो मनुष्य दात गुड़ा कहीं अच्छी बोलिक है तो यहाँ कहीं बोलिक प्लास्टर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस याराई है आउ गोटे व्यवहार होती मुख्यतः आम नर्माली डाक्तरखाना तुम जदि कार हाथ गोड़ भांगी तेल एडे एमती गोटे पट्टी बंधाई थी ता सहित किसी गोटे चूर्ण टाइप दिखाई थी सीटा होती प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार करके हाड़ भांगे कि टाइप जिनस गुड़ाक सब आम प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार कर हाड़ भांगे जो भी प्लास्टरिंग कराऊँ प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहार कराऊँ सुखीगला हाड यूज पूरा जो पर्यटन सुखी नियो तुम आराम से लगे पट्टीटा लगे लगे जो सुखी हो पूरा हाड हो ठीक अच्छे चल आगे जापर यार धर्म देखा धर्म हूँ तुम जो कहली जदि एम मुख्य आउ थे पा मिसेता एटा प्लास्टर ऑफ पेरिस रे प्लास्टर हाफ H2O मान प्लास्टर ऑफ पेरिस 2H2O मान जिप्सम हाफ H2O रे जो 1.5 H2O मिसेद मिसेदे CaSO4 2H2O है एक धला पाउडर एवं यार जल सहित मिसी पुनर्बार जिप्सम जिप्स जिप्सम परिणत हुए यह अत्यंत शक्त कठिन वस्तु जिप्सम अधिक कठिन प्लास्टर पेरिस टिके कम कठिन कहीं प्लास्टर पेरिस अल्प परिमाण जलाणु थाए
सॉरी भूल कहल प्लास्टर ऑफ पेरिस टिके अधिक सॉफ्ट जेसोना टिके अधिक कठिन है हैला तो एतिके आज पे आशा कर तुमने बुझितिबो जदि बुझुनी तुमको तुमने कमेंट सेक्शन लेखि पठे पार डाउट हैला मु तुमर रिप्लाई देबा पई वेट करथु आज पे एतिके धन्यवाद जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना करनी हो लाइक करना करनी हो शेयर भी कर दियो।